दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजेश्वर गोयल ने मंगलवार को शिमला उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने जिला में शांतिपूर्ण, पारदर्शिता व सफल रूप से चुनाव करवाने का टारगेट तय किया है। नवनियुक्त उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने प्राथमिकता गिनवाते हुए कहा कि वह शिमला में लोकसभा चुनाव पारदर्शिता से करवाएंगे। इसके साथ ही शिमला में भी एक ही जगह वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाए जाए, इस पर भी उन्होंने चुनाव अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कोई फैसला लेने की बात कही है। दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में राजेश्वर गोयल ने कहा कि काउंटिंग सेल शिमला के नजदीक ही बनाए जाएं, इस पर भी सभी के सुझाव लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो चुनाव आयोग के नियमों के दायरे में रहकर किए जाएंगे। बता दें कि राजेश्वर गोयल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गोयल अब शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी भी होंगे। आज हमारे साथ शिमला के नए डीसी है राजेश गोयल जी, इन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। इनसे पूछते हैं कि क्या प्राथमिकता है उनकी रहने वाली है, और आपको खास बात ये भी बता दें कि उन्होंने शिमला में उस वक्त अपना कार्यभार संभाला है जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चली है। गोयल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकता है आपकी अब रहने वाली है? जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जैसे चुनाव जो है 19 मई को जो है सम्पन्न होने हैं हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद मतगणना 23 तारीख को है मई में। तो सबसे पहले तो जो चुनाव जो है कि बहुत ही सफल तरीके से संपन्न हों, शांतिपूर्वक हों और पूरी पारदर्शिता के साथ हों, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी भारत के निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उन सबका जो है अक्षरश जो है अनुपालना ये सुनिश्चित की जाएगी। और बहुत अच्छी टीम है हमारे पास यहाँ अधिकारियों की, निर्वाचन विभाग की, उन सबको साथ में लेते हुए जो है चुनाव जो है बहुत अच्छे रहें, ये मेरा सबसे पहले जो है उत्तरदायित्व भी रहेगा और प्रयास भी रहेगा। जिस तरह से चुनाव को लेकर काउंटिंग सेल शिमला के गंडल में जो काफ़ी दूर है, इतनी दूर बनाया गया है, हालांकि इससे पहले 2014 में संजौली शिमला में ही था, तो क्या ज़रूरत इस तरह से पड़ी है कि इतनी दूर शिमला से काउंटिंग सेल बनाया गया है? क्या आपकी तरफ से इस तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे? मैम, जैसे ये मेरी जानकारी में अभी आया है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो इस पर अवश्य जो है विचार विमर्श किया जाएगा। और क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले ही कार्यभार संभाला है, तो जो हमारे जो अभी इसका रिव्यू करेंगे और जितने भी जो है मुझे समझना भी है पूरा सिस्टम, उसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा, परंतु जो आपने मेरे ध्यान में लाया है अवश्य इस पे गौर जरूर करूंगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन के साथ प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन, 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।